पांचवी राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका हॉकी प्रतियोगिता में दोनों ही वर्गों के खिताब पर राजनांदगांव की टीम ने अपना कब्जा जमा लिया है। राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में कल इस प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस स्पर्धा में उपविजेता का खिताब स्पोर्ट्स अकादमी रायपुर ने जीता है। वहीं बालिका वर्ग में दुर्ग की टीम उपविजेता रही है। बीते 21 जून से 24 जून तक हुई इस प्रतियोगिता में कोरबा, जांजगीर चांपा, बस्तर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, धमतरी और राजनांदगांव के अलावा कबीरधाम और रायपुर जिले की टीमें शामिल हुई। समापन समारोह में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल अनीशा साहू और भूमिक्षा साहू का सम्मान किया गया। समापन के मौके पर छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने बताया कि स्पर्धा के राष्ट्र स्तर की टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉयज और सब जूनियर गर्ल्स की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ हॉकी के बैनर में हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ हॉकी से संबंधित लगभग 14 बालक और 14 बालिका की हॉकी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रास रूट लेवल में हॉकी को बढ़ावा देना है, जिससे वो तमाम जिले यहाँ पर आके खेले जहाँ पर हॉकी चलती है। साथ ही साथ इस प्रतियोगिता से हम राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी चयनित करेंगे, जो कि आगामी इसी ग्राउंड में आयोजित है। वेस्ट जोन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 20 जुलाई से चयनित टीम 20 जुलाई से होने वाली वेस्ट जोन हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेगी। स्पर्धा में सब जूनियर बालिका वर्ग का फाइनल मैच दुर्ग और राजनांदगांव के बीच हुआ, जिसमें राजनांदगांव ने दुर्ग की टीम को 0 के मुकाबले 8 गोल से पराजित कर दिया। वहीं बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में राजनांदगांव की टीम ने एक तरफा खेलते हुए रायपुर की टीम को भी 0 के मुकाबले 8 गोल से पराजित कर दिया।